अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं करेगी ना तो अपना गुनाह कबूल? अरे ये गाड़ी पे पत्थर किसने मारा? मुझे भी बहुत तरीके आते हैं तुझ जैसे अडियल तत्वों से सच उगलवाने के। ऐसे ही डंडे से मारा था ना तुमने अग्नि को? बोल। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन कीजिए, मैंने अग्नि को मारने की कोशिश नहीं की है, बल्कि मैं तो उसे बचा रही थी। ठीक है, जब दो डंडे पड़ेंगे ना तुझे, तब तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। अभी बताती हूँ तुझे। आ, बंद कीजिए ये सब। मेरी बहन के खिलाफ अभी जुर्म साबित नहीं हुआ है, ये मानव अधिकार के खिलाफ है। आप में से अगर किसी ने भी उस पर एक खरोंच तक देने की कोशिश की ना, तो मैं मानव अधिकार के कार्यकर्ता को यहाँ लाकर खड़ा कर दूंगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और मुझे अपनी बहन से बात करनी है। अगर आप में से किसी ने भी मुझे उससे बात करने से रोका, तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी। इन दोनों बहनों को वीडियो बनाने का बड़ा ही शौक है। वो वीडियो भी तो डिलीट नहीं हुआ अभी तक, पासवर्ड ही नहीं मिला। सोच क्या रहे हैं? कर दूं वायरल? ठीक है, कर लो बात, लेकिन लॉकअप के बाहर से, वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए। कांस्टेबल, लॉक करो इसे। वकील साहब, नाहर भैया कहाँ पर है? आप आइए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। आप आइए। चलिए। पुलिस ने जब मुझे वो वीडियो दिखाया था, ये कहा था कि वो वीडियो किसी खिड़की से शूट किया गया है। जहां ये हादसा हुआ, उस खिड़की से एक वीडियो बनाया गया। ये देखिए। कहां है खिड़की? यहां तो कोई खिड़की ही नजर नहीं आ रही है। फिर वो वीडियो कैसे बन सकता है? वो वीडियो तभी बन सकता है जब पहले से किसी ने कैमरा सेट करके रखा।
एक सेकेंड, ये जगह, ये गोडाउन मेन रोड से एकदम दूर है, एकदम हटके है। फिर वो यहाँ कैसे आ सकता है? उसे यहाँ पहुंचने में ही बहुत टाइम लगा होगा। इसका मतलब अग्नि को चोट लगने का वो चश्मदीद गवाह है ही नहीं, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि ये कैसे हो सकता है? अचानक से वो ये सुनसान जगह पे कैसे पहुंच सकता है? वो तभी पहुंच सकता है जब उसे पहले से किसी ने इन्फॉर्म किया हो, किसी ने बताया हो कि यहां ऐसा कुछ होने वाला है। पता नहीं गाड़ी पे पत्थर किसने मारा, कहीं कोई हमें चकमा देकर अंदर तो नहीं घुस गया। तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर देख के आता हूं। इतनी बड़ी मुसीबत में थी, तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इतना भी भरोसा नहीं था तुझे अपनी बहन पर। हाँ जूही, मुझे लगा कि अगर मैं तुझे बताऊंगी तो दादू और दादी को पता चल जाएगा। पता नहीं उन पर क्या बोल रही होगी। दादू की तबीयत ठीक तो है ना? हाँ रूही, सब ठीक है। और तू चिंता मत कर, किसी को कुछ भी नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है। अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया मैं यहाँ आ गई, वरना पता नहीं इंस्पेक्टर तेरे साथ क्या करते। रूही, मुझे पूरा भरोसा है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी बहन कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है, कभी नहीं। और हो ना हो, मुझे लगता है कि इसके पीछे अग्नि का हाथ है। रूही, मुझे नहीं पता जूही, सच क्या है झूठ क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर तू मेरी फिक्र मत कर जूही, तू बस घर जा और दादू और दादी को कुछ पता चले देना, प्लीज जूही। हाँ तू उसकी चिंता मत कर, मुझे बस अभी तेरी चिंता है, देखने कैसे हाल में है तू। और जब तक तू इस जेल से बाहर नहीं निकल जाती ना, मैं यही रहूंगी, मैं यही बाहर बैठ के तेरा इंतजार करूंगी। नहीं जूही, तू पागल मत बन, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तू प्लीज घर जा, प्लीज। नहीं, मैं क्यों जाऊं, तू भी तो है ना यहाँ पे, तो मैं भी तेरे साथ यहीं रहूंगी। रूही, ये जगह तेरे लिए भी सेफ नहीं है, इन लोगों से तुझे बचाने के लिए मेरा यहाँ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तू जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकल जाती, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बस। जूही, उसे मत कर, और मैं यहाँ से निकल कर रहूंगी, क्योंकि मेरे नहार जी मेरे साथ हैं, और वो मुझे यहाँ से निकाल कर रहेंगे। बस बस मुझे इस बात का डर है कि मुझे बचाने के चक्कर में कहीं कहीं वो किसी मुसीबत में ना आ जाए। कौन है, कौन है वहां पर? क्या हुआ, कोई आया था क्या यहाँ पे? हाँ कोई तो है, ढूंढो अच्छे से। अभी भी भागा यहां से, हमें सर को तुरंत इन्फॉर्म करना होगा। चलो भाई, मुझे नहीं पता कैसे
लेकिन मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है नार जी, मैं आपका इंतजार करूंगी। रोही बस हिम्मत रखना, मैं तुम्हें जेल से बाहर निकलवाने आ रहा हूं। क्या है, सुबह जब मैं यहां से आया था तो कुछ नहीं था, फिर अचानक से बैरिकेड्स किसने लगाए? कब से फोन लगा रही हूं, जो ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? सच मैं अपने दोस्त के घर गई हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ये चूही बिना बताए कहीं भी चली जाती है। देखो क्या हालत कर रखी है कमरे की, डडी टेबल की हालत देखो, छे चीज भी संभाल के नहीं रखती है, सब इधर उधर फैला पड़ा है। चूही का रिजल्ट है, इसने बताया भी नहीं। ओहो, अपने दादू के सिग्नेचर कॉपी कर रही है ये लड़की। तभी उस दिन इनसे कह रही थी कि दादू अपना सिग्नेचर करके बताए, ये लड़की बिना बिल्कुल निहार पर गई है। यार भी तो ऐसे ही करता था, अपना रिजल्ट छुपाता था और मैं उसे डांट खाने से बचा दी थी। साथी जी का कॉल, वो भी इस नंबर पर। लगता है दादी जी को उनकी प्यारी बहू पलक की याद आ ही गई। हेलो जी, दादी जी मुझे तुमसे मिलना है, आज ही मिलना है। ठीक है, आप बताइए कहाँ पर आना है, मैं रेस्टोरेंट का एड्रेस भेजती हूँ। ओके दादी जी को मुझसे क्या बात करनी है? ये रास्ता बहुत लंबा है, कहीं रूही के बेबी पर साइन करवाने में देर ना हो जाए। कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, रोड बंद है, मैं कैसे पहुंचूं रोही के पास? अजीब सी बेचैनी हो रही है। नारजी ठीक तो होंगे ना? Excuse me, ma'am. क्या आपकी बुकिंग है? जी पूनम गोयल के नाम से होगी बुकिंग। रूम नंबर? ये दादी जी ने ऐसे फैंसी रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया है? हाँ ओके, आप साइन कर दीजिए। थैंक यू। अरे पलक,
रुको भाई, आ गई? हाँ। अब तुम बाहर मिल ही गई हो तो मैं सोच रही हूँ यहीं खड़े होकर 2 मिनट बात कर लेते हैं। जानता हूं ये हमारे लिए बहुत मुश्किल दौर है, लेकिन तुम इसे परेशान हो जाओगी तो कैसे चलेगा? रूही मेरी तरफ देखो, रूही अच्छा सोचोगी तो सब अच्छा होगा। नाहर जी, ऐसे हालातों में कैसे अच्छा सोचो? रूही, ये सब मन का खेल है। याद है मैंने कहा था, थिंक बिलीव एंड अचीव। ना कुछ पाने को बाकी है, तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। मेरी आदत हो दोबारा प्यार ना होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। अब दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे, चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए जीने के लिए तू काफी है। नाहर जी, क्या हम इस सपने में कैद नहीं हो सकते? मुझे इस सपने से बाहर नहीं जाना। रोगी, सपने से बाहर नहीं जाएंगे तो इसे हकीकत कैसे बनाएंगे? याद है ना मैंने क्या कहा था? अच्छा सोचो, उस पर यकीन करो और उसे पूरा करो। रूही, हमारा ये सपना जरूर पूरा होगा। ये सपना जरूर सच होगा। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।